फ्रेंड्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एलीग के मैच के बारे में जो गाइस खेला जाएगा यहाँ से मैकार्थर एफसी और ब्रिसबेन रोर के बीच में होने वाले इस मैच के बारे में। तो गाइस इस वीडियो में इन दोनों टीमों के हर एक प्लेयर्स के बारे में फुल डिटेल्स में हम बात करेंगे। बस आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना और ध्यान से देखना, ओके। तो अब हम नजर डालते हैं सीधे इन दोनों टीमों की पॉइंट्स टेबल पर। और हाँ दोस्त, इस मैच की जो फाइनल टीम रहेगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने टॉप के कॉमेंट और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन डाल दिया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, ओके। तो चलिए अब हम नजर डालते हैं सीधे इन दोनों टीमों की पॉइंट्स टेबल पर। तो गाइज मैकार्थर एफसी ए लीग में फिलहाल के टाइम पर 7th पोजीशन पर, वहीं पर बात करें ब्रिसबेन रोर फिलहाल के टाइम पर 10th पोजीशन पर है। तो गाइज इन दोनों टीमों की जो पोजीशन है वो ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिलती है। अगर आपको हल्की सी भी पोजीशन बेहतर देखने को मिलेगी वो आपको मैकार्थर एफसी की ही देखने को मिलेगी। तो गाइज अब बात आती है कि इन दोनों टीमों में से हम किस टीम को अपनी ड्रीम इलेवन टीम के लिए एक फेवरेट टीम मान चले। तो गाइज मैं फिलहाल के लिए मैकार्थर एफसी को एक फेवरेट टीम मान के चलता हूँ। क्यों? क्योंकि ये मैच है इस टीम के होम ग्राउंड में और ये टीम जब भी अपने होम ग्राउंड में अपने लेवल की टीम के सामने मैच खेलती है या तो मैच को विन करती है या मैच को ड्रॉ खेलती है, लेकिन मैच को जल्दी लॉस नहीं करती। तो इसीलिए मैं इस टीम को एक फेवरेट टीम मान के चलता हूं। लेकिन गाइस हम बात भी करेंगे जब ये दोनों टीमें आपस में हेड टू हेड मैचेस खेलती हैं तो किस तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिलता है इन दोनों टीमों की ओर से। तो गाइस इन दोनों टीमों के बीच में 3 हेड टू हेड मैच हुए हैं जिनमें से मैकार्थर एफसी इस टीम के सामने सिर्फ एक मैच विन की है और दो मैच इस टीम के सामने लॉस भी की है। अटैकिंग वाइज 1.3 गोल पर मैच स्कोर किया, लेकिन डिफेंस 1.7 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। कहने का मतलब जब भी मैकार्थर एफसी इस टीम के सामने खेली तो प्रत्येक मैच में कम से कम तो एक और कभी कभी तो इस टीम के सामने पर मैच में 2 गोल स्कोर भी किया हुआ है। लेकिन डिफेंस वाइज भी कहीं ना कहीं इस टीम के सामने पर मैच में एक और कभी कभी 2 या 3 गोल तक भी कंसीड किया हुआ है। तो परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो इन दोनों टीमों का हेड टू हेड मैच में तो हाई चांस रहते हैं दोनों टीमें एक दूसरे के सामने गोल स्कोर भी करती हैं और डिफेंस वाइज भी कहीं ना कहीं दोनों टीमें एक दूसरे के सामने गोल कंसीड कर देती हैं। तो गाइस अब बात करें जो पिछला मैच इन दोनों टीमों के बीच में खेला गया उस मैच को ब्रिसबेन रोर अपने होम में इस टीम के सामने 3-1 से मैच को विन कर गई। अटैकिंग वाइज उस मैच में ब्रिसबेन ने 3 गोल करे लेकिन डिफेंस 1 गोल कंसीड किया और उससे मुकाबले फिर इन दोनों टीमों के बीच मैच खेला गया और फिर से ब्रिसबेन रोर इस टीम के सामने 2-1 से मैच को विन कर गई। अटैकिंग वाइज फिर से ब्रिसबेन ने इस टीम के सामने 2 गोल किए लेकिन डिफेंस से 1 गोल कंसीड भी किया, लेकिन उससे मुकाबले फिर मैकार्थर एफसी ने इस टीम के सामने 2-0 से मैच को विन भी किया। तो परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो मैकार्थर जब भी इस टीम के सामने खेली तो एक चीज तो क्लियर है कि इस टीम के सामने प्रत्येक मैच में गोल स्कोर भी किया है और डिफेंस वाइज भी कहीं ना कहीं इस टीम के सामने गोल कंसीड भी कर देती है। तो परफॉर्मेंस हेड टू हेड के अकॉर्डिंग तो ब्रिसबेन रोर का ही बेहतर देखने को मिलता है अटैक से लेकर डिफेंस तक। लेकिन गाइस हम बात करेंगे इन दोनों टीमों जो करंट फॉर्म है उसका अकॉर्डिंग जो फिलहाल के टाइम में जो परफॉर्मेंस है हम एक बार उस पर भी नजर डालते हैं। तो गाइस मैकार्थर एफसी ने करंटली खेले हैं 6 मैच जिनमें से 2 मैच विन करें, 1 मैच ड्रॉ खेला, 3 मैच लॉस किए। अटैकिंग वाइज 1.8 गोल पर मैच स्कोर किया लेकिन डिफेंस से भी 1.8 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। कहने का मतलब इस टीम का जो परफॉर्मेंस है अटैक से लेकर डिफेंस तक इक्वल ही देखने को मिलता है। अब गाइस बात करें जो पिछला मैच एडिलेड यूनाइटेड के सामने ये टीम 1-0 से मैच को लॉस करके आ रही है और उससे मुकाबले मैकार्थर एफसी पर्थ ग्लोरी के सामने 4-2 से मैच को विन किए। अटैकिंग वाइज वो मैच काफी शानदार खेला मैकार्थर ने, लेकिन वो मैच उसी मतलब इसी टीम का होम में था, 4 गोल स्कोर किए लेकिन डिफेंस से 2 गोल कंसीड किए और उससे मुकाबले में सिडनी एफसी के सामने टीम 2-2 से मैच को ड्रॉ भी खेले और उससे पिछले 2 मैच इस टीम ने लॉस किए हैं और 1 मैच इस टीम ने वेस्टर्न सिडनी वंडर्स के सामने मैच को 3-1 से विन किया। तो परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो अटैकिंग वाइज काफी शानदार है लेकिन डिफेंस ये टीम कहीं ना कहीं पर मैच में गोल कंसीड कर ही देती है। तो गाइस अब बात आती है ब्रिसबेन रोर का जो करंट फॉर्म है उसका अकॉर्डिंग जो फिलहाल के टाइम जो परफॉर्मेंस है हम एक बार उस पर भी नजर डालते हैं। तो गाइस ब्रिसबेन रोर ने करंटली 6 मैच खेले हैं जिनमें से सिर्फ 1 ही मैच इस टीम ने विन किया, 2 मैच ड्रॉ खेले और 3 मैच लॉस किए। अटैकिंग वाइज 1 गोल पर मैच स्कोर किया लेकिन डिफेंस 1.5 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। कहने का मतलब ये टीम पर मैच में कम से कम तो 1 गोल कर ही देती है और कभी कभी तो एक बेहतर टीम सामने गोल नहीं कर पाती, लेकिन डिफेंस वाइज ये टीम प्रत्येक मैच में 1 और कभी कभी तो ये टीम पर मैच में 2 या 3 गोल तक भी कंसीड कर देती है। तो परफॉर्मेंस अगर इस टीम का देखा जाए तो अटैकिंग वाइज थोड़ा सा डाउन है लेकिन डिफेंस उससे भी ज्यादा डाउन देखने को मिलता है। अब गाइस बात करें जो पिछला मैच मेलबर्न विक्टोरिया के सामने टीम डिफेंस वाइज मैच को ड्रॉ खेलकर आ रही है और उससे मुकाबले वेस्टर्न सिडनी के सामने टीम अटैकिंग वाइज मैच को ड्रॉ खेली, 1 गोल स्कोर किया लेकिन डिफेंस भी 1 ही गोल कंसीड किया और उससे मुकाबले ब्रिसबेन रोर न्यूकास्टल जेट्स के सामने 2-0 से मैच को विन भी की है और उससे पिछले 3 मैच इस टीम ने खेले और तीनों मैच इस टीम ने लॉस किए हैं। तीनों मैच में इस टीम ने सिर्फ 4 गोल स्कोर किए लेकिन डिफेंस इस टीम ने 8 गोल कंसीड किए। तो परफॉर्मेंस उन 3 मैच में इस टीम का काफी गंदा देखने को मिलता था अटैक से लेकर डिफेंस तक। तो गाइस अब बात आती है अब इस मैच का स्कोर लाइन प्रेडिक्शन क्या होनी चाहिए। तो गाइस सबसे पहले हमने इन दोनों टीमों की पॉइंट्स टेबल पर नजर डाली, फिर हमने इन दोनों टीमों के हेड टू हेड मैचेस पर नजर डाली, फिर हमने इन दोनों टीमों के रीसेंट फॉर्म पर भी नजर डाली। अगर हम इन तीनों फॉर्मेट को एक साथ कंपेयर भी कर ले कि कौन सी टीम का बेहतर परफॉर्मेंस रहा इन तीनों फॉर्मेट में, तो गाइस पॉइंट्स टेबल के अकॉर्डिंग तो मैकार्थर एफसी की जो पोजीशन है वो थोड़ी सी बेहतर देखने को मिलती है एज कंपेयर टू ब्रिसबेन रोर, ओके। तो हेड टू हेड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो
आर्थर ने सिर्फ इस टीम के सामने एक ही मैच विन किया है, लेकिन जब भी इस टीम के सामने खेले तो मैच में पर मैच में गोल स्कोर किया और डिफेंस भी कहीं ना कहीं गोल कंसीड कर देती है। तो आप मान सकते हो यहाँ पर हेड टू हेड में इस टीम का परफॉर्मेंस अटैकिंग वाइज अच्छा रहा, लेकिन डिफेंस थोड़ा सा डाउन है। लेकिन बैरिस बैन रोर ने इस टीम के सामने दो मैच विन किए, तो यहाँ पर थोड़ा सा बेहतर परफॉर्मेंस आपको बैरिस बैन रोर की ओर से देखने को मिलेगा हेड टू हेड मैचेस में। लेकिन रीसेंट फॉर्म के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मैक आर्थर एफसी ने जो परफॉर्मेंस किया फिलहाल के टाइम पर वो काफी शानदार है, अटैकिंग वाइज काफी अच्छा, लेकिन डिफेंस गोल कंसीड कर देती है। और बैरिस बैन रोर का जो परफॉर्मेंस है डिफेंस भी काफी डाउन है और अटैक भी थोड़ा सा डाउन ही देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं आपको तीनों फॉर्मेटों में कहीं ना कहीं हल्की टीम आपको बैरिस बैन रोर ही देखने को मिलेगी और थोड़ी सी बेहतर आपको टीम मैक आर्थर एफसी देखने को मिलेगी। तो इसीलिए मैं मैक आर्थर एफसी को एक फेवरेट टीम मान के चलता हूँ। तो फाइनल गाइज अब बात आती है अब इस मैच का स्कोर लाइन प्रेडिक्शन क्या होना चाहिए। तो गाइज मैं मान के चलता हूँ कि इस मैच में मैक आर्थर एफसी दो गोल आराम से कर देगी। क्यों? क्योंकि ये मैच इस टीम के होम ग्राउंड में, और कहीं ना कहीं इस टीम के सामने डिफेंस से एक गोल कंसीड भी कर सकते। क्यों? क्योंकि गाइज मैक आर्थर का जो डिफेंस फिलहाल के टाइम पर काफी डाउन है, गोल कंसीड कर ही देता है, और बैरिस बैन रोर भी कहीं ना कहीं ऑन एन एवरेज पर मैच में एक गोल स्कोर कर ही देती है। तो इसलिए मैंने अपना इस मैच के स्कोरलाइन प्रेडिक्शन रखा है 2-1, और 2-1 के प्रेडिक्शन के अनुसार ही हम अपनी ड्रीम 11 टीम क्रिएट करने वाले हैं ड्रीम 11 पर। उससे पहले हम बात भी करेंगे इन दोनों टीमों के प्लेयर्स के बारे में, कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट निकाले। तो हम सबसे पहले नजर डालेंगे मैक आर्थर एफसी के प्लेयर्स के बारे में, फिर हम नजर डालेंगे बैरिस बैन रोर के जो प्लेयर्स हैं उनके बारे में, कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए। तो नजर डालते हैं मैक आर्थर एफसी के प्लेयर्स के बारे में। उससे पहले दोस्त, अगर आप बिल्कुल नई हो और आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मैं आपके लिए इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर हर रोज लाते रहता हूँ। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक भी करना। और हाँ दोस्त, इसमें जो फाइनल टीम रहेगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने टॉप के कमेंट और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। लेकिन याद रहे सर्च करके आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन बिल्कुल भी नहीं करना। ओके, बात करते हैं सीधे मुद्दे की, प्लेयर वाइज की, कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए। तो सबसे पहले हम नजर डालते हैं मैक आर्थर एफसी के प्लेयर्स के बारे में। गाइस मैक आर्थर एफसी टीम तरफ फिलहाल टाइम जो हाईर गोल टेबल डाविला इस टीम की तरफ से 6 गोल कर चुका है और 3 गोल इसने किए हैं पेनल्टी में। तो इस टीम की तरफ से फर्स्ट हाईएस्ट गोल टेकर भी, फर्स्ट चॉइस पेनल्टी टेकर भी है, तो इसलिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा टीम में जरूर ट्राई करना। क्रेग नून इस टीम की तरफ से 4 गोल कर चुका, लेकिन इसने एक गोल पेनल्टी में इसने भी किया, लेकिन उस कंडीशन में डाविला उस मैच में नहीं खेला था। तो यहाँ से क्रेग नून भी एक मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर है। क्यों? क्योंकि डिफेंसिव पॉइंट भी अच्छा देता है और असिस्ट पोटेंशियल भी हाई रखता है। लेंचल रोस मैं ज़्यादा सजेस्ट करूंगा नहीं, लेकिन प्लेयर अच्छा है, कभी कभी ये 90 मिनट नहीं खेलते तो इसलिए मैं ज़्यादा सजेस्ट नहीं करता। लेकिन मरप्पा एक इंपॉर्टेंट प्लेयर आपको डिफेंडर में देखने मिलेगा, तो टीम में ट्राई करके जरूर चलना। ओके, यहाँ से जिनो अगर खेलेगा तो मैं अपनी टीम में जरूर पिक करूँ। क्यों? क्योंकि ये खेलता है एज ए सेंटर फॉरवर्ड, और जो सेंटर फॉरवर्ड खेलते हैं जो प्लेयर वो काफ़ी गोल करने का 90% चांस रखता है, तो इसलिए मैं इनको भी ड्रॉप नहीं करूँगा। और यहाँ से उसको है जो कि डिफेंसिव पॉइंट अच्छा देता है, कभी कभी तो लॉन्ग बॉल से गोल भी कर देता है। ओके, अल हसन टोर को मैं ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा, टॉमी ओयर को भी नहीं करूँगा। और यहाँ से सेंजर एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, असिस्ट पोटेंशियल हाई रखता है, प्रीवियस सीजन भी इसका असिस्ट पोटेंशियल काफी हाई था। बाकी के जितने प्लेयर्स उनको मैं ज्यादा सजेस्ट नहीं करूंगा, तो आप इनका स्क्रीनशॉट शॉट लेना। अब यहाँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है जिनको किसी भी कंडीशन में हम अपनी टीम से ड्रॉप नहीं कर सकते, वो मैंने आपके लिए टिक कर दिए हैं, और उन्हें आप अपनी टीम में ट्राई करके चल लेना। ओके, तो बात आती है इस टीम तरफ से कौन से प्लेयर जिन्होंने असिस्ट प्रोवाइड किए, तो हम नजर डालते हैं असिस्ट वाले प्लेयर्स पर भी। तो गाइस असिस्ट में देखा जाए तो क्रेग नून है जो कि गोल और असिस्ट दोनों में कंट्रीब्यूट है, चाहे तो टीम का आप कैप्टन भी बना सकते हो इसे, चाहे तो वाइस कैप्टन बना सकते हो, लेकिन बनाकर जरूर चलना। क्यों? क्योंकि ये बिना गोल के डिफेंसिव पॉइंट देता है। डेनियल डी सिल्वा इस टीम की तरफ से प्रीवियस सीजन का काफी बेहतरीन प्लेयर था, फिलहाल के टाइम पर इसका रिसेंट फॉर्म काफी डाउन है, लेकिन प्लेयर काफी शानदार है। अगर आप 20 ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हो तो कम से कम आप इस प्लेयर को 3-4 ग्रैंड लीग टीम में तो कैप्टन बना सकते हो। ओके, तो यहाँ से डेविल तो ऑब्वियस पिक रहेगा, और यहाँ से अल हसन टोर जो कि 2 गोल 2 असिस्ट निकाल चुके हैं, टॉमी और जो कि 1 असिस्ट निकाल चुका है, बाकी का आप रिकॉर्ड भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ से जो फिर से इंपॉर्टेंट प्लेयर निकल कराएंगे वही आपके सामने देखने को मिलेंगे, और इन्हीं प्लेयर को आप हम टीम में ट्राई करके चल लेना। अब बात आती है जो सेकंड टीम उसके जो प्लेयर्स हैं उनके बारे में, कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए, तो हम नजर डालते हैं बैरिस बैन रोर के प्लेयर्स के बारे में। तो गाइस बैरिस बैन रोर की तरफ से फिलहाल के टाइम में जो हाईएस्ट गोल हेनरी होर है, जो कि इस टीम के लिए एक न्यू साइनिंग भी है और रीसेंट फॉर्म काफी शानदार है, कंसिस्टेंट इस प्लेयर का परफॉर्मेंस रहा है इस टीम के लिए। जोआन लेस्कानो इसका भी परफॉर्मेंस ऐसा ही रहा, क्योंकि ये प्लेयर हर 2-3 मैच में एक गोल निकाल ही लेता है, लेकिन इसकी जो पोजीशन है वो बहुत मायने रखती है। एज ए सेंटर फॉरवर्ड खेलेगा तो इंपॉर्टेंट प्लेयर है, अगर यहाँ से हेनरी होर इंपॉर्टेंट रहेगा उस कंडीशन में अगर एज ए सेंटर फॉरवर्ड खेले तो। ओके, तो यहाँ से निकोला है जो कि मुझे ये काफी अच्छा प्लेयर लगता है, और ये लॉन्ग बॉल इसका काफी शानदार है, अगर आप इसका गेम प्लान देखोगे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि इस अब की बार गोल मारेगा, तो ये कब काफी कंटिन्यू परफॉर्मेंस करता है। ओके, ल्यूक इवानोविक है जो कि इस टीम तरफ से 3 गोल कर चुका है, जेओसिया बिना गोल के भी डिफेंसिव पॉइंट कम से कम 20 तो आराम से आपके लिए दे ही जाएगा, कम से कम 20 पॉइंट। और हाँ, इस टीम की तरफ से फर्स्ट चॉइस पेनल्टी टेकर भी, और जितने भी टीम मतलब इस प्लेयर ने गोल किए ना वो सारे के सारे पेनल्टी में किए हैं, और असिस्ट पोटेंशियल हाई रखता है, पासेस इंटरसेप्शन टैकल की पासेस इन सब का काफी अच्छा पॉइंट देता है, तो इनको ड्रॉप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ओके, रहमत अकबरी है ये भी डिफेंसिव पॉइंट अच्छा देता है, कोरे ब्राउन है जो कि असिस्ट पोटेंशियल इसके अंदर भी काफी हाई है, प्रीवियस सीजन आई थिंक मुझे जहां तक याद है कम से कम इतने 7 असिस्ट निकाले थे, लेकिन फिलहाल टाइम पर भी
एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा तो टीम में ट्राई करना। अब यहाँ जो मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर है मेरे अकॉर्डिंग, जो यहाँ से जिनको बिल्कुल भी किसी भी कंडीशन में ड्रॉप नहीं करना, तो यहाँ से तीन प्लेयर तो ये हैं। अब यहाँ से तीन में से कोई एक खेलते नजर आएगा, जो भी खेलेगा ना हम अपनी टीम में उसको ट्राई करके जरूर चलेंगे। ओके, तो बात आती है इस टीम तरफ से कौन से प्लेयर जिन्होंने असिस्ट प्रोवाइड किए, तो हम नजर डालते हैं असिस्ट वाले प्लेयर्स पर। तो गाइस असिस्ट मामले में जे ओसिया 3 गोल 6 असिस्ट, तो मतलब 9 असिस्ट मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर। ओके, जॉन लेशकानो 1 असिस्ट निकाल चुका है, जैक हिंगरेट जो कि 1 असिस्ट है, स्कॉट नेविले जो कि डिफेंसिव पॉइंट अच्छा देता है, वाडा जो कि 1 असिस्ट निकाल चुका है। अब मेरे अकॉर्डिंग जो यहाँ से इंपॉर्टेंट प्लेयर जे ओसिया मुझे एक बेस्ट लगता है, और लेशकानो को आप टीम में ट्राई करना तब इसकी पोजिशन देखते हो। ओके, यहाँ से हिंगरेट को मैं ट्राई नहीं करूँगा, लेकिन स्कॉट नेविले एक अच्छा प्लेयर है, अगर आपको लगे कि ये मैच लो स्कोरिंग जाएगा तो उस कंडीशन में इनको ट्राई करके चल सकते हो। ओके, तो अब बात आती है इस मैच की स्कोरलाइन प्रेडिक्शन, हमने रखा है अभी के लिए 2-1, और 2-1 का प्रेडिक्शन के अनुसार क्या रहनी चाहिए इस मैच जो हमारे समोर लीग टीम है ड्रीम इलेवन पर, तो सीधे हम नजर डालते हैं अकॉर्डिंग टू प्रेडिक्शन इस मैच की ड्रीम इलेवन की टीम पर। अगर आप बिल्कुल न्यू यूजर हो और आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मैं आपके लिए इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर लाते रहता हूं, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना। ओके, तो चलिए नजर डालते हैं इस मैच की ड्रीम इलेवन की टीम। सबसे पहले बात करें गोलकीपर में, तो यहाँ से फिलिप कोर्टो देखने को मिलेगा और यहाँ से एम फ्रेक देखने को मिलेगा, दोनों में से किसी को भी ट्राई कर सकते हो। अगर अकॉर्डिंग टू प्रेडिक्शन चलना तो मैकआर्थर ने जो अटैकिंग वाइज परफॉर्मेंस किया है फिलहाल टाइम पर वो काफ़ी शानदार है, अगर ये टीम अटैक करेगी तो ऑब्वियसली यहाँ से जो फ्रेक का जो चांस रहेंगे वो गोल सेव करने का हाई चांस रहेंगे। तो अगर आपको फ्रेक लेना तो ले सकते हो, लेकिन इसका क्रेडिट भी 8 है और इसका 9 है, तो कहीं ना कहीं आधा क्रेडिट आप सेव कर सकते हो, मैं इसलिए फ्रेक को टीम में ट्राई फ्रेक को ट्राई करता हूँ। ओके, तो यहाँ से मैरियप है जो कि गोल 3 कर चुका है और ये एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, डिफेंसिव पॉइंट देता है। ओके, यहाँ से सेंचर ये भी अच्छा प्लेयर है, तो इनको भी हम टीम में मैं ट्राई करके चलाऊँ। स्कॉट नेविले जो बिना गोल के कम से कम 20+ पॉइंट देगा, लेकिन इसका गोल और असिस्ट आने का थोड़ा सा कम चांस रहेंगे, लेकिन हेडर में कर सकता है, लेकिन मैं यहाँ से उसको अपनी टीम में ट्राई करके चलाऊँ क्योंकि काफ़ी अच्छा प्लेयर है। लेकिन आपके सामने जो अदर चॉइस है जैसे यहाँ से कोरे ब्राउन है, ये ऐसा प्लेयर जो डिफेंसिव पॉइंट अच्छा देता प्लस असिस्ट पोटेंशियल और रखता है, ये प्रीवियस सीजन अच्छा प्लेयर था लेकिन फिलहाल टाइम पर इसका रिसेंट फॉर्म थोड़ा चढ़ा होना है, लेकिन आज भी कुछ अच्छा कर सकता है। यहां से जैम मेरेडिथ जो कि इसने 1 गोल किया, बाकी उसके बाद इतना ज्यादा डिफेंसिव पॉइंट इसका रहता नहीं। ओके, तो यहां से हिंगरेट है जो मैं अभी के लिए ट्राई नहीं कर रहा हूँ, और बाकी को मैं किसी भी प्लेयर को सजेस्ट करने वाला नहीं क्योंकि इनका परफॉर्मेंस खास देखने को मिलेगा नहीं। ओके, तो इसलिए मैं यहाँ से जो टॉप प्लेयर मुझे लगे उनको टीम में ट्राई करके चला हूँ। ओके, बात करें मिडफील्ड में, तो यहाँ से मेरी फर्स्ट चॉइस रहेगी क्रेग नून, हीरे हो रहे, और यहाँ से डैनियल डी सिल्वा भी अच्छा चॉइस है, लेकिन मुझे लगता है कि आई थिंक मुझे अभी ड्रॉप करना चाहिए। ओके, रहमत अकबरी जो बिना गोल के डिफेंसिव पॉइंट देता, लेकिन मैं सबसे ज्यादा सजेस्ट करता हूँ हमेशा, अगर आपने मुझे फॉलो करा होगा कि मैं खातर एफसी की टीम का जब भी मैच होता है तो यहाँ से जॉर्डन मच को मैं टीम में ट्राई करके चलता हूँ। ला लीगा खेल चुका, काफ़ी अच्छी अच्छी लीग में खेल चुका, और इसका काम होता है डिफेंसिव पॉइंट देता, लेकिन इसका मैं लॉन्ग शॉट का काफ़ी फेवरेट हूँ, मुझे इसका लॉन्ग शॉट काफ़ी अच्छा लगता है और गोल में तब्दील हो ही जाता है, तो असिस्ट पोटेंशियल भी रखता है, डिफेंसिव पॉइंट कम से कम बिना गोल के 25+ देने का आराम से क्षमता रखता है, तो मैं भी इसलिए मच को टीम में ट्राई करके चलाऊँ। ओके, लेकिन याद रहे जो स्टाइन मैन है ना, ये भी काफ़ी अच्छा प्लेयर है, ये भी ऐसे ही प्लेयर जैसे यहाँ से आपको जॉर्डन मच देखने को मिलेगा, क्योंकि ये भी डिफेंसिव पॉइंट अच्छा देता और असिस्ट पोटेंशियल इसके अंदर भी काफ़ी आई है। बाकी किसी भी प्लेयर को मैं ज़्यादा सजेस्ट करने वाला नहीं हूँ क्योंकि मुझे इनका खास परफॉर्मेंस देखने को मिला नहीं है, तो इनको ड्रॉप ही करना। बात करें सेंटर फॉरवर्ड, तो मेरी फर्स्ट चॉइस रहेगी जे ओसिया, डाविल्ला और यहाँ से जेन्यू। ओके, तो इन तीन प्लेयर को मुझे लगता है कि ड्रॉप नहीं करना चाहिए। ओके, तो आप चाहे तो यहाँ जो अदर चॉइस रहेंगे लक्ष्मण रोस है, और यहाँ से मिले स्निक है जिसने गोल किया हुआ है रिसेंटली, और यहाँ से जॉन लेशकानो जो कि 5 गोल और इस टीम तरफ से 1 असिस्ट निकाल चुका है, तो इनको भी ट्राई कर सकते हो लेकिन आफ्टर लाइनअप। ओके, यहाँ से इवानोविक भी है, इसका भी परफॉर्मेंस आपने देखा होगा काफी शानदार, बाकी के जितने टॉमी जोरिक प्रीवियस सीजन का इस टीम तरफ से काफी अच्छा प्लेयर था, लेकिन अब खेलने का चांस काफी डाउन। ओके, तो यहाँ जो मैं अभी के लिए पिक कर चला हूँ वो सिर्फ 3 प्लेयर है, उनको टीम में ट्राई करता हूँ। अब यहाँ से जो एक प्लेयर और चाहिए हमें, आप चाहे तो यहाँ से डिफेंडर में उठा सकते हो चाहे मिडफील्ड में उठा सकते, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे डिफेंडर को सजेस्ट करना चाहिए अपनी टीम में, और वो यहाँ से शायद ब्रिंडेल रहने वाला, तो मैं भी टीम में ब्रिसबेन रोर का ही एक प्लेयर को पिक कर चला हूँ, ब्रिंडेल। ओके, बात करें कैप्टनसी की, तो गाइज मेरी टीम का प्रीवियत कुछ इस प्रकार अभी के लिए, लेकिन मैं सोच रहा हूँ यार कैप्टन किसको दूँ, अगर मैं मान के चलूँ कि यहाँ से मैकआर्थर गोल करेगी तो उस कंडीशन मुझे लगता है कि कैप्टन की चॉइस दो चॉइस रहेगी, आप इन दो में से किसी एक को चूज कर सकते हो। ओके, तो आपकी चॉइस है ये, लेकिन मेरे जो कैप्टन रहेगी इस मैच में मैं यहाँ से क्रेग नून को टीम का कैप्टन बना चला हूँ। ओके, तो मेरी वाइस कैप्टन की बात की जाए तो मैं यहाँ से जे ओ सी है, इस टीम तरफ से पेनल्टी भी लेगा, असिस्ट पोटेंशियल हाई है, प्लस डिफेंसिव पॉइंट काफ़ी अच्छे देता है, तो इसलिए मैं अपनी टीम का कैप्टन प्लस वाइस कैप्टन इन दो प्लेयर को दे के चला हूँ, लेकिन इन दो प्लेयर को एज ए प्लेयर के तौर पर पिक कर चला हूँ, लेकिन जो फाइनल टीम रहेगी ना वो आफ्टर लाइनअप पता चलेगी कि प्लेयर की पोजीशन क्या है, कौन से प्लेयर अटैकिंग पोजीशन पर, कौन से प्लेयर डिफेंसिव वाइज पोजीशन पर, उसके अनुसार जो फाइनल टीम रहेगी वो आफ्टर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर मतलब आफ्टर लाइनअप अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने टॉप के कमेंट में डाल दिया, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन भी कर सकते हो क्या हमारे टेलीग्राम चैनल को। और हाँ दोस्त, अगर आप बिल्कुल न्यू हो इस इस यूट्यूब चैनल पर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि गाइस मैं आपके लिए इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहता हूँ। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नहीं लगी तो आप कोई ना अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।